हेलो एवरीवन, आज देख रहे हैं आप यहाँ पे एक पावर पॉइंट में मैंने सुंदर सा एक क्रिसमस का वीडियो बनाया हुआ है। ये देखिए आप, मैरी क्रिसमस के लिए। तो इस तरह का आप एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ देखिए, हमने एक स्लाइड ले ली और स्लाइड को हमने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक स्लाइड इंसर्ट करनी है। हमने सिर्फ एंटर पे क्लिक किया और एंटर पे क्लिक करने पर यहाँ एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाती है। यहाँ हम पहले बैकग्राउंड में एक कलर इफेक्ट डाल देते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास बहुत सारे कलर इफेक्ट है, आप जो भी देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। अब आपको यहाँ टेक्स्ट टाइप करना है। मैंने यहाँ मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, तो इंसर्ट पर जा रहे हैं हम, यहाँ वर्ड आर्ट पर जा रहे हैं और कोई भी आप एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट का स्टाइल कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप जो भी कलर इसमें फिल करना चाहें, देन टेक्स्ट पर आप इफेक्ट दे देंगे। ओके, मैंने यहाँ एक लाइन भी इसमें ड्रॉ की हुई है। लाइन को मैं यहाँ थोड़ा सा मोटा किया हुआ है लाइन को। देखिए, हमने लाइन को यह मोटा किया और सेम कलर की कर दी लाइन हमने। इसको दोनों को हमने साथ में सेलेक्ट कर भी हमने ग्रुप कर दिया और इसको भी हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। इस पे हमने सेंड टू बैक कर रखा है। ओके, अब इसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। मुझे तीन चार वर्ड और भी बनाने हैं, जैसे मुझे लिखना है मैरी। पहले आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें और फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसमें कलर को आप चेंज कर सकते हैं।
अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी सारे में MM ही लिख रखा है। यह हमने इसकी लाइन को थोड़ा सा लंबा किया और मुझे एक चेंज करना है इसी में। आप अपने अकॉर्डिंग लाइन को रिसाइज कर सकते हैं। चलिए हम कलर भी चेंज करते हैं आने साथ में। अब देखिए वाई को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग।
अब इसमें हमें एनिमेशन देने की बारी। तो एनिमेशन के लिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और आपको एनिमेशन पर जाना है। एनिमेशन पर जाने के बाद यहाँ से आपको स्विंग वाला सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से स्विंग हो रहा है। अब आपको यहाँ से टाइम पर जाना है, ग्रुप पे गए, यहाँ से आप टाइम्स पे जाएंगे। यहाँ से हम विथ प्रीव्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ स्लो कर रहे हैं और देन एंड ऑफ स्लाइड तक हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ओके। अब क्या करना है आपको, इस एनिमेशन पर जाना है, क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी, आपको एनिमेशन प्रिंटर दिख रहा है, आपको इसको सेलेक्ट करना है और वन वन बाई यहाँ आप सभी पर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। आपको सिर्फ एक बार देना है, उसके बाद सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि आप एनिमेशन को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एनिमेशन प्रिंटर का आप यूज से। इस पे क्लिक करके पीछे जा रहा है, तो इसे यहाँ से आप फ्रंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ आ गए। अब यहाँ आपको एक पिक्चर लगानी है, आप इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट पिक्चर पर जाएंगे, यहाँ से आप रिवाइज में, आप यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मैंने कुछ पिक्चर जेपीजी की इंसर्ट, जीआईएफ की इंसर्ट करके रखी हुई है। मैंने यहाँ एक जीआईएफ पिक्चर इंसर्ट कर ली, इसको आप अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, हमें क्लिक करना है। यहाँ से हम कलर पर जा रहे हैं सेट, यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड हटा दिया। अब देख रहे हैं यहाँ मैंने क्रिसमस ट्री भी इसमें लगाया हुआ है, क्रिसमस ट्री चलिए हम बना लेते हैं। या तो आप नेट से इंसर्ट भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ एक क्रिसमस ट्री खुद से बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली, पहले हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे तो जल्दी बन जाएगा ये बेस। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल ट्राइंगल का यूज करना है। देन और हम यहाँ साथ में कलर भी फिल करते जा रहे हैं। हम एक इसकी डुप्लीकेट बना रही हूँ और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर रहे हैं। फिर से मैंने इसका डुप्लीकेट किया और फिर से हमने इसको रिसाइज कर दिया। देन अगेन डुप्लीकेट, देन रिसाइज, अगेन डुप्लीकेट और देन मैंने फिर से इसको थोड़ा सा छोटा किया। तो ये आप देख रहे हैं ट्री जैसा ये बन गया। यहाँ इसमें नीचे बैकग्राउंड में मैंने यहाँ ब्राउन कलर फिल कर दिया। देन हमने इसको सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन किया और देन हम पूरे को इसको कर रहे हैं अभी ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा किया रिसाइज, रिसाइज करके स्लाइड से हमने कट करके स्लाइड पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्रिसमस ट्री बन गया। ओके अब इसमें आप स्टार वगैरह लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के इसमें स्टार या बॉल्स वगैरह जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ स्टार वाली शेप,
स्टार वाली शेप मैंने आई थी सेलेक्ट की, ये अभी मैंने इसमें एक येलो कलर फिल किया और देन मैंने इसकी आउटलाइन भी येलो कर दी। अब इसमें मुझे एनिमेशन देना है, हम यहाँ से एनिमेशन पर जा रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट किया। और भी कई सारे एनिमेशन है जो कि कलर चेंज करने वाला है, ये देखिए इस तरह का भी है। चलिए अभी इसी एनिमेशन में थोड़ा सा हम टाइम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइमिंग पर जा रहे हैं, यहाँ से विद प्रीव्यू लिया हमने और यहाँ से अभी हमने कर दिया इसको वेरी फास्ट रख रहे हैं, देन एंड ऑफ स्लाइड तक कर रहे हैं। ओके इस तरह से मैंने स्टार बनाया और इसी स्टार का अब हम कर रहे हैं डुप्लीकेट, यहाँ हमने 4-5 बार डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की मैं पहले भी आपको कई सारे उसमें बता चुकी हूँ, कंट्रोल डी उसकी शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल डी से आप इसे डुप्लीकेट बना सकते हैं। आप इसमें और भी शेप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग तैयार है, ये देखिए आप एक बार प्ले करके। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इसी तरह एनिमेशन वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस।